Good morning everybody. So in the previous classes we have discussed how to solve a linear equation. Okay, in there we have to find out the value of x, and that is known as the solution of the polynomial. Okay, so aji ame kon padiba, so aji ame padiba conversion of statement into algebraic expression. Ta mane kon gote statement ku ame algebraic expression le convert karibe, jota ki already ame class 7 re completely padhi thile. ओके सो तारीख किसी डिस्कशन करेगा हाउ टू कन्वर्ट ए स्टेटमेंट ओके इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. स्टेटमेंट मींस गोटे सेंटेंस थे ओके सो सेंटेंस टा कौन कहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान एक्स फॉर्म रे लिखिबा ओके ताकु कहा जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो स्टार्ट करेगा हमर फर्स्ट क्वेश्चन नु. हियर यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द नंबर ओके इज 10 more than the other number. Okay, we have to first understand what the question is. Okay, the question is one of the number is 10 more than the other number. It means gote number aa gote number tharu 10 more ta mane kon gote number aa gote number tharu 10 adhika bujhi hela. So tale se dui ta number kiya hobo clear. So आमको आगे जो दुटा नंबर आम पाइबा गोटे नंबर जैक आउट नंबर के अधिका दस ही थो. सपोज मु कह आई हाव 5 पेनसिल. सो मोर ये सांग अधिका 10 पेनसिल अच्छी तेत पेनसिल थी ओब्विस्ली 15 पेनसिल थी हाउ बिकज मो पाखे 5 अच्छी मो फ्रेंड पाखे के 5 आत अधिका 10 मोर. सो 5 प्लस 10 दैट इज he has 15 number of pencil. Okay, so this type of question is similar to this type of question. So here we have to find two number. The dui ta number eti achi bujhiya gote number mone kara jau ame jani chi kete se number ta jani jehetu ame janinu that means it is unknown. Unknown kaha ku koiba variable ku koiba because variable ra value ame janinu thau एक्स एक्स गोटे अनोन ना नोन अनोन अचिन्ह आम बुझेगा कि नहीं. सो सो जो दुईटा नंबर बाहर मन कर जो फर्स्ट नंबर टा को एक्स बोली आम धरवा क्लीयर. सो आई एम राइटिंग लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स बुझेगा अगेन पढ़वा वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर नंबर गोटे नंबर आ गोटे नंबर ठार 10 अधिक बुझेगा. सो नंबर टा को एक्स नी आउट नंबर के 10 मोर हो कि नहीं. सो अदर नंबर विल बी हाउ मच क्या 10 मोर हो एक्स ठार ओके. सो आई कैन राइट द अदर नंबर विल बी एक्स प्लस 10 ओके. सो पाईगले गोटे नंबर एक्स ना आउट नंबर के एक्स प्लस 10 हम क्लियर. बर्तन गोटे हिसाब से देखा जो दिन नंबर आम पाइले एक्स आउ एक्स प्लस 10 ओके. सो एम भितर सब सान किए आ बड़ किए सेम एग्जांपल मो पाखे 10 टा मैंगो था मोर जे फ्रेंड ताकि अधिका 10 टा मैंगो थी ताकि मैंगो थी अधिका मैंने कौन मोर ओके. सो ही हाज 20 नंबर अफ मैंगोस बड़ किए है ओब्विस्ली मो सांग पाखे जितने मैंगो थी सी अधिका है क्लियर. ठीक सेमती जेहेतु ये हूँ एक्स आ सेकेंड नंबर टा कौन ताठार के 10 अधिक बड़ किए हम ओब्विस्ली किए कौन हम बुझे कि नहीं. सो मुझे लिखिपर दिस इज द बिगर वन और बिगर नंबर एंड दिस इज द एक्स इज द स्मॉलर नंबर ओके. सो दिस आर द स्टेटमेंट दिस इज द स्टेटमेंट ओके. आम से स्टेटमेंट को कौन कन्वर्ट कले देख गोटे एक्स आ गोटे एक्स प्लस 10 अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ना नहीं. सो ए प्रकार कन्वर्शन को कहा जाए कन्वर्शन ऑफ अ स्टेटमेंट इनटू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वी हैव फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स ओके. सो ऑलरेडी गोटे वेरिएबल दे दी कि सेटा एक्स
थ्री टाइम्स एक्स मान कौन एक्स रन गुण ओके सो तीन गुण मान कौन मल्टीप्लिकेशन थ्री टाइम्स ऑफ एक्स ओके और यू कैन राइट इट एज थ्री एक्स दिस इज द थ्री टाइम्स ऑफ एक्स ओके सम ऑफ कहार सम थ्री टाइम ऑफ एक्स आउ इलेवेन तो दुईटा टर्म एटी अच्छे गोटे हूँ थ्री एक्स आ गोटे इलेवेन भलि बुझी था यहाँ सो गोटे टर्म हूँ किए थ्री एक्स आ गोटे किए इलेवेन से मैं कौन करवा सम बाहर करवा ओके सो विल फाइंड द सम ऑफ थ्री एक्स एंड इलेवेन ओके सो इट विल बी हाउ मच इज इज मीन्स इक्वल टू थर्टी टू थर्टी टू सो देख ये गोटे इक्वेशन है कि नहीं हेला कि नहीं गोटे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना नहीं हाँ ये गोटे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिकज इट कंटेन्स ए वेरिएबल सो इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये इक्वेशन है कि नहीं हाँ कहीं इट इज इक्वल टू सिंबल यूज दैट इज इट इज एन इक्वेशन देख यहाँ स्टेटमेंट बा सेंटेन्स गोटे सेंटेन्स को हमें कौन कन्वर्ट कले गोटे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कले बुझेगा सो आउ थे मुझे कहीदे सम ऑफ थ्री टाइम्स एक्स फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन इज सम वी हैव टू फाइंड आउट द सम कहाँ कहाँ सम थ्री टाइम ऑफ एक्स दैट मीन्स थ्री एक्स एंड इलेवेन इज इक्वल टू थर्टी टू क्लियर सो दिस द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर थ्री इन क्वेश्चन नंबर थ्री वी हैव वन थर्ड ऑफ ए नंबर प्लस फाइव इज एट नंबर टा कि आम जानी कि वेरिएबल अच्छी कि नो इट इज अ स्टेटमेंट ओके द स्टेटमेंट गिवन दैट वन थर्ड ऑफ ए नंबर गोटे नंबर वन थर्ड माने कौन वन थर्ड मीन्स वन डिवाइडेड बाय थ्री वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द फ्रैक्शन दैट वन थर्ड मीन्स वन डिवाइडेड बाय थ्री सपोज आई एम राइटिंग टू थर्ड माने कौन टू डिवाइडेड बाय थ्री बुझेगा सपोज आई एम राइटिंग थ्री फोर्थ इट मीन्स थ्री डिवाइडेड बाय फोर सो दिस आर द मीनिंग ऑफ द फ्रैक्शन क्लियर सपोज आई एम राइटिंग फोर सिक्स इट मीन्स व्हाट इट मीन्स फोर आउट ऑफ सिक्स फोर बाय सिक्स ओके माने कौन छ भाग चार भाग ओके सो नाउ द क्वेश्चन इज वन थर्ड ऑफ ए नंबर जेकोसी गोटे नंबर वन थर्ड माने वन बाय थ्री बट आम से नंबर टा जानी कि जानी दैट इज व्हाई वी हैव टू एज्यूम वी हैव टू इमाजिन आम गोटे चिंता करवा गोटे नंबर को मन मन चिंता करके लिखा लेट ए नंबर भी एक्स ओके बर्तमान कौन कर देख जमीक आम ये बाहर करते थ्री टाइम्स एक्स ताने कौन थ्री इंटु एक्स सेमती वन थर्ड ऑफ ए नंबर ताने वन बाय थ्री ऑफ माने कौन मल्टीप्लिकेशन ओके आई हैव टोल्ड यू इन द बदमाश रूल ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन ओके सो हियर इज गिवन वन थर्ड दैट मीन्स दिस इज द वन थर्ड ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन ए नंबर एंड वी हैव टेकन दैट नंबर टू बी एक्स सो आई एम राइटिंग वन बाय थ्री इंटू एक्स सो मेक ब्रैकेट ओवर देयर ओके सो फर्स्ट स्टेटमेंट रो हमें जानीगले इटा हम अर्थात नेक्स्ट पढ़ा कौन अच्छे प्लस प्लस मान लिखा प्लस ओके फाइव फाइव सो इज मीन्स इज इक्वल टू हाउ मच एट सो आई कैन राइट वन बाय थ्री टू एक्स मीन्स वी कैन राइट इट एज वन बाय थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एट सो दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट वी आर गोइंग टू फाइंड तेल बुझीगला गोटे स्टेटमेंट रू आम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन केमी देखिले फास्ट आम बाहर कले कौटा आम पाखे ना ए नंबर आम पाखे ना सो वी हैव टू इमाजिन और वी हैव टू थिंक ए नंबर दैट इज एक्स देन यू हैव टू फाइंड आउट द वन थर्ड ऑफ दैट नंबर ओके वन थर्ड मीन्स वन बाय थ्री
ऑफ मीन्स इनटू, ऑफ ए नंबर मीन्स एक्स, सो 1 बाय 3 इनटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8. ओके, सो वी कैन रीच एट आवर डेस्टिनेशन. सो तीन टाइप का क्वेश्चन बुझी है, बर्तन चार नंबर क्वेश्चन जीवा. सब जाक गोटे टाइप रो क्वेश्चन, सब जाक क्वेश्चन आमे स्टेटमेंट रो कोन करूचे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिराइव करूचे. ओके, सो इफ यू सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ए नंबर. ओके, जदि तुम्हें कोन करियो सबट्रैक्ट करियो माने माइनस करियो 5 को माइनस करियो तार को ऊपर रहियो राइट हैंड साइड रहियो फ्रॉम माने एति की रू केति की रू बर्तन देखिया केते रू 6 टाइम्स ए नंबर और 6 टाइम्स ऑफ ए नंबर. डिड यू नो द नंबर? नो मींस हियर नंबर. ओके, दिस इज द एब्रिविएटेड टर्म इज एन ओ डॉट. ओके, सो हियर क्वेश्चन इज इफ यू सबट्रैक्ट, दिस इज अ सबट्रैक्शन, 5 फ्रॉम समथिंग, हियर समथिंग इज प्रेजेंट वी डू नॉट द समथिंग, ए समथिंग टाइप के हमें जानी है ना, हमें कौन करेगा सबट्रैक्ट करेगा 5 फ्रॉम कोटू सबट्रैक्ट करेगा 6 टाइम्स ऑफ ए नंबर, गोटे नंबर रो 6 टाइम्स रू सबट्रैक्ट करेगा, बुझे ना. सो फास्ट हमको देखिया पड़ी जैसे नंबर टाइप के, बुझे ना. सो हमें लिखी पड़ी बार लेट चिंता करेगा बोलते है ना, रिज्यूम करें लेट द नंबर बी एक्स. ओके, नाउ 6 टाइम्स ऑफ एक्स माने कौन, 6 टाइम्स ऑफ माने मल्टीप्लिकेशन एक्स ता माने कितने 6x. क्लियर? नाउ अगेन सबट्रैक्ट करबा का ग्रुप 5 को को थिरु फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ एक्स दैट मींस 6x. सो वी हैव टू सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6x. ओके, नाउ टू गेट और यू गेट माने हमें पाइबा दैट मींस दिस इज द इज इक्वल टू सिंबल. सो व्हेनेवर 5 बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 6x वी गेट 7 दैट इज इक्वल टू 7. अगेन सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड फर्स्ट फाइंड आउट द नंबर टू बी x देन आफ्टर यू कैन इजीली कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. बुझे? सो प्रथम क्वेश्चन को भल बुझ क्वेश्चन ने कौ जिन देखा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आम बाहर कर पाए. ओके, लेट अस डू सम मोर प्रॉब्लम्स. हियर वी हैव गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. ओके, सो क्वेश्चन अच्छे दुईटा नंबर भितर डिफरेंस. ओके, सो द डिफरेंस मीन्स माइनस बिटवीन हाउ मेनी नंबर्स टू नंबर तमने दुईटा एमती नंबर अच्छा. ओके, सो ताक भितर डिफरेंस बाहर कर. सपोज इट गोटे नंबर यू कैन टेक एनी नंबर. ओके, maybe it is 10 or maybe it is 500. Okay, but we do not know the exact value. So the difference between two numbers, that means duita number achanti and among them difference sign is used. So the difference between two number is how much? 66. Okay, so we have to find this two number. Find the two numbers. Tale ame kon kariba? ए जो दुटा नंबर को बाहर करिवा सो दैट से माने जो डिफरेंस केते ही दिबो 66 ही दिबो. ओके, सो वर्तमान बाहर करे ता सिद्रा को नंबर किए गिवन अछि कि किए नहीं. सो सब एउटा मन रखो उठे जिंस जेते बेले भी कोनो सी स्टेटमेंट को ओके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रे कन्वर्ट करिया को थिबो यू ऑलवेज वंडरिंग अबाउट व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग अस टू फाइंड. हां, तुमे सबले कोन खोजिबो जे क्वेश्चन को कोन देछि कोटा को बाहर करिया को देछि प्रथम देखो कोटा बाहर करिया को देछि फाइंड द टू नंबर. सो हमें कोटा को हमें कैलकुलेट करिवा नंबर को बट हमें नंबर को जानि छथि कि जानि ना तले हम से नंबर को केतने जाय परिवा जेहेतु हमें जानि ना दैट मींस इट इज अननोन टू अस तले हमें तक केते इमेजिन कर परिवा एक्स. बुझिए ना, सो केते नंबर की बाहर करिया पड़ियो दुईटा हमें गोटे नंबर को एक्स बोली नबा. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर लेट one number b or is equal to x.
ସୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ଏକ୍ସ ବୋଲି ମନେ କରିବି, ବୁଝିହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏଇ ନମ୍ବର ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 66। ଓକେ, ସପୋଜ୍ ଆମେ ଟେକିଂ ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ମନେକର ମୋ ପାଖରେ 20 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି ଏଣ୍ଡ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଥିବା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି 30। ଓକେ, ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି 20 ହେଲା ମାଇ ସେଲ୍ଫ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଯେତିକିଟା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ କେତେଟା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି, ବଟ୍ ଯେତିକିଟା ବି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି ତ ମୋର ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଥିବା ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 30, ବୁଝିହେଲା? ସୋ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ମନେକର ମୋ ସାଙ୍ଗ 80 ବି ରହିପାରେ, ସୋ ମୋର ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଆସିବ 30। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଏଇଆ କି ହୁଏତ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋ ପାଖରୁ କମ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଥାଇପାରେ କି ବେଶୀ ବି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଥାଇପାରେ, ହେଲା? ଯଦି କମ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଥିବ ତାମାନେ ମୁଁ ବଡ଼, ମୋ ପାଖରେ ଯେତେଟା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି ବଡ଼, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର, ତା ପାଖରେ ଯେତିକିଟା ବି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଥିବ ମୋଠୁ କମ୍ ଥିବ କି ନାହିଁ? ମନେକର ତା ପାଖରେ 2 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି, 2, ତାହେଲେ ତା'ର ମୋ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ? ତା ପାଖରେ 2 ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ 20 ଅଛି, ତାହେଲେ ବଡ଼ ହେଲି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲି, ସେ ଟୋଟାଲ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଆସିଲା 18, ବଟ୍ ଆମ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଦରକାର ଥିଲା 30। ଓକେ, ମନେକର ତା ପାଖରେ 5 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖରେ କମ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି ମୋ ଠାରୁ, ମନେକର ତା ପାଖରେ 10 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି, ତାହେଲେ ତା'ର ମୋ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ କହିଲ? 10, 30 ଆସୁଛି ନୋ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିବା ଦରକାର? ମୁଁ ଏଇଆ ବୁଝିଗଲି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ 100% ମୋଠୁ ଅଧିକା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି, ନହେଲେ ଏନ୍ସର୍ କେବେ 30 ଆସିବନି, ବୁଝିହେଲା? ସୋ ଏତିକି ଆମେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖରେ ମୋଠୁ ଅଧିକା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି। ଓକେ, ସପୋଜ୍ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖରେ 40 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି, କେତେଟା 40, ମୋ ପାଖରେ କେତେଟା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଥିଲା 20, ସୋ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଆସିଲା ଆମେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରେ 20, ବଟ୍ ୱି ନିଡ୍ 30 ଇନ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। ସୋ ତା ପାଖରେ 40 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି ନା ତା'ଠୁ ଅଧିକା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି? ଡେଫିନେଟଲି ତା'ଠୁ ଅଧିକା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଥିବ, ନହେଲେ 30 କେମିତି ଆସିବ? ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ କେତେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଥିବ କହିଲ? 50 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସୋ ଦେଟ୍ 50 20 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କଲେ କେତେ ଆସିବ? 30 ଆସିବ, ବୁଝିହେଲା? ସୋ ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଇଗଲି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖରେ 50 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଥିବ, ଯଦି ଇଫ୍ ମୋ ପାଖରେ 20 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଥିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଟାକୁ ଇମାଜିନ୍ କରି ଭାବିଲି କି ମୋ ପାଖରେ ମନେ କରାଯାଉ 20 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖରେ କେତେଟା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଥିବ? 50 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଥିବ, ସୋ ଦେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଇଜ୍ 30। ସୋ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ 20 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବିନି ମୋଠୁ ଅଧିକା 30 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଥିବ, କାହିଁକିନା ଯଦି ମୋଠୁ ଅଧିକା 30 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଥିବ ତାହେଲେ ସିନା ତା'ର ମୋ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ 30 ହେବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସୋ ଯଦି ଏଇଟା ମୋର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ହୁଏ, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କେତେ ହେବ କହିଲ? 20 + 30 = 50। ଓକେ, ଯେହେତୁ ମୋର ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଥିବା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି 30, ହେଲା, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ 20 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ କେତେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଥିବ? 20 + 30 = 50, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍, ସପୋଜ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ 5 ଚକୋଲେଟ୍ସ, ଓକେ, ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଭ୍, ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଟିଂ ହିୟର୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହାଉ ମେନି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଜ୍ ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଭ୍, ବଟ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯେତିକିଟା ବି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି 2, ବୁଝିହେଲା? ମୋର ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି 2, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ 5 ଥିବ ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ କେତେଟା ଥିବ? ଭଲ ଚିନ୍ତା କର, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ 5 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଥିବ ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ କେତେଟା ଥିବ? ସୋ ଦେଟ୍ ଆମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେବ? 2 ହେବ। ଓକେ, ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଆ ନେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ 3 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି, ସରି 3 ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ 2 ବାହାରିବନି? ୟେସ୍, 5 - 3 = 2, ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ମୋ ଠାରୁ କମ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏମିତି ବି କେସ୍ ନେଇପାରେ ଯେ ମନେକର ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ 7 ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ କେତେଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି? 5 କି? 7 - 5 = 2। ସୋ ଏମିତି ବି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇପାରେ, ଆଇଦର ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଭ୍ ମୋର ଚକୋଲେଟ୍ସ ଦେନ୍ ମି ଅର୍ ହି ହାଜ୍ ଲେସ୍ ଚକୋଲେଟ୍ସ ଦେନ୍ ମି, ବଟ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ଇଜ୍ 2। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରିବି କି ନାହିଁ, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ 5 ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ କେତେଟା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଥିବ?
प्लस टू कर देंगे, आंसर वैल्यू बन वो संख्या पर 17 में को थाई पर। और मुझे कह दी वो संख्या पर माइनस भी कर देगी तब 3 टाइम में वही करेगी ना, बुझे लगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज। तले जदी गोटे नंबर x हुए तले ए नंबर आ गोटे नंबर के डिफरेंस केते 66 तले आ गोटे नंबर केते हिदिवो कहलो। सो द नंबर मस्ट बी ओके आइदर x प्लस 66 x प्लस 66 भी है परे और x माइनस 66। सो एनी टू नंबर यू कैन टेक दुटा को भी ठीक अछि। वर्तमान चेक करबे एटा ठीक ना भूल। देखिए हम कौन देखिया पड़ियो देखिया पड़ियो जे जो दुटा नंबर हमें पाइले सेमान को डिफरेंस केते आसे करके 66 आसे तोके। ओके लेट्स चेक नाउ यू कैन सी इफ x इज अ नंबर सो वी आर टेकिंग दिस नंबर x प्लस 66 नाउ फाइंड आउट आउट ऑफ दिस टू नंबर x एंड x प्लस 66 व्हिच वन इज द बिगर। ओके सी हियर ओनली x इज प्रेजेंट एडी केवल x अछि एटी कोन अछि x प्लस 66 त माने x से किछि मिसि छि गोटे जगह रे 5 अछि आ गोटे जगह रे 5 रे आ किछि मिसि छि त 5 रे आ किछि मिसि बस रे 100% 5 रो अधिक होबो ना नै एटी जेंति x से किछि छोडे ऐड हे छि त माने के बडा होबो डेफिनेटली ये बडा होबो ना नै बुझियला। सो आई एम राइटिंग दिस इज द बिगर वन दिस इज द स्मॉलर वन। ओके लेट अस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। सो x प्लस 66 दिस इज द लार्जर नंबर माइनस x। ओके सो दिस आर द टू लाइक टर्म्स सो दैट दे कैन बी कम क्लोजर x माइनस x पाखा पाखी आसी गले प्लस 66। नाउ सिंस दे आर द कोफिशिएंट 1 सो हमें केते कॉमन नहीं परबे x केते रह जीवो 1 माइनस 1 प्लस 66 1 माइनस 1 इज 0 इनटू x प्लस 66 0 इनटू x इज 0 प्लस 66 केते पाइले आंसर देखो फाइनली वी गेट 66 सो आवर आंसर इज करेक्ट। सो इफ अ नंबर इज x देन अदर नंबर इज x प्लस 66। ओके नाउ वी विल चेक वेदर x माइनस 66 इज करेक्ट ऑर नॉट। बर्तमान देखिबा ए नंबर टा हमर थिला कोन x थिला आ आउट नंबर का हम नले x माइनस 66 को नले बर्तमान ए जो दुने नंबर थरा बडो कि हियर x इज प्रेजेंट बट हियर x माइनस 66 दैट मींस x सो किछो जेंस माइनस कर दिया है माने x सो किछो जेंस नेई नेई जिबा है काटे कि नेई जिबा है तले कोटा बडो ये बडो ना ये बडो जेते एथु किछो हम सब पळे जाय छ बट ये जति कि थिला सेति कि अछि तले बडो कि हो डेफिनेटली x बडो हो। दिस इज द बिगर एंड दिस इज द स्मॉलर। सो हम बर्तन को करे एमन को भीतर डिफरेंस बाहर करे कैपिटल और बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। सो बिगर इज x माइनस ओके x माइनस 66 दिस इज द स्मॉलर वन। सो नाउ ऑलवेज कीप इन माइंड इफ देयर इज द नेगेटिव साइन बिफोर द ब्रैकेट देन इफ यू ओपन द ब्रैकेट देन ऑल द साइन इनसाइड द ब्रैकेट विल बी चेंज्ड तमाने जदि कोनसे ब्रैकेट रे लेफ्ट रे माइनस थिबो जदि माइनस थिबो तो देन कोनो ब्रैकेट भीतर जहां भी नंबर छथि से मानकर साइन चेंज हे दिबो। ओके सो जेतु एटि नेगेटिव साइन अछि हमरा ब्रैकेट ओपन करबे त कोन हबो देखिया कोन हबो साइन चेंज हे जइबो कि नै वर्तमान देखो ब्रैकेट भीतर एक्स रो साइन कोन अछि ब्रैकेट भीतर नॉट बाहर ब्रैकेट भीतर एक्स रो साइन कोन अछि किछ नै माने कोन अछि प्लस अछि त कोन हे जइबो माइनस हे जइबो। सिमिलरली माइनस अछि 66 आगर त कोन हे जइबो प्लस हे जइबो बुझि गेलै कि। सो यू कैन राइट सिमिलरली द कोफिशिएंट इज 1 यू कैन टेक एक्स एज कोफिशिएंट 1 माइनस 1 प्लस 66 दिस टर्म इज 0 सो 0 टू एक्स इज 0 प्लस 66 इज 66 हियर आल्सो वी गेट 66 आफ्टर डिफरेंशिएटिंग x एंड x माइनस 66 ताहले हमें कहि परबा जे हां x माइनस 66 भी गोटे नंबर हेई पारे बुझियला ताले नंबर दिटा के की हला फाइनली हमें कोन पाइले नंबर दिटा के की हला। सो मे बी द नंबर x एंड x प्लस 66 और x एंड x
माइनस सिक्सटी सिक्स यहाँ भितर किए भी हो पार जोटा भी नवा दैट इज करेक्ट ओके सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज इट इज रिटन 20 एंड फाइंड आउट द टू नंबर तले हम कोन कह दुटा नंबर खोजो खोजिबा हाउ फर्स्ट नंबर टा हम केते नबा केते इमेजिन करबा x जेतु सान केते केते डिफरेंस अछि 20 तो अदर नंबर टा हम केते नहीं करबा एतरे x + 20 नहीं करबो और x - 20 नहीं करबा जोटा मिले करेक्ट आ ओके अंडरस्टूड सो कमिंग टू सम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सो हियर वी हैव द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 60 ओके व्हाट वी हैव द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर फॉर एग्जांपल दिस इज अ नंबर एंड दिस इज अनदर नंबर एंड द डिफरेंस बिटवीन देम सो देम difference between them is 60 so this type of question is similar to the previous question that we have already discussed tale kon deiche dui ta number ka difference hoche 60 it is clear now the next one next given deiche the ratio of the two numbers is 2:5 now a new term comes here what is the new term that is ratio so what is the meaning of ratio let us define So the meaning of ratio is division between any two number or divided by. हमें हम तो लिखो नहीं 3 divided by 5. So जो 3 divided by 5 को भी हमें लिखी पड़ी बात ratio और type है. कौन ratio देखा था कौन लिखा है? 2. ये जो ratio टा कौन पढ़ा था? Is 2. 2 is 2. 5. बुझिए ला. So ये माने कौन? ये माने ला 2 divided by 5 बुझिलो समझ गया 3 divided by 5 को हमें लिखी परिबा ना 3 is 2 5 सो इज टू और रेशियो मींस डिवीजन बिटवीन द टू टर्म्स क्लियर सपोज इट हैज बीन रिटन एज 9 by 10 तले हमें को लिख परियो 9 is to 10 क्लियर सो कौन गिवन देछि जे दुइटा नंबर के तथा रेशियो रेशियो माने कौन डिवीजन मन कर एटा गोटे नंबर ओके आ एटा गोटे नंबर ताके उतरे रेशियो माने कौन डिवीजन ओके इज दिस माने इक्वल टू केते 2:5 माने कोन लिख परबा 2/5 बुझियला सो फर्स्ट क्वेश्चन को भलरे बुझियो पड़े ए क्वेश्चन रे कौन गिवन अछि फर्स्ट क्वेश्चन रे गिवन हला कौन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 60 और रेशियो समान मित्र कहते 2:5 बट क्वेश्चन आस्क अस टू फाइंड द टू नंबर्स कहले जते बेले भी हमें कोनो सी स्टेटमेंट को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करिबा तब तक को सॉल्व करिया माने कोन एक्स वैल्यू बाहर करिबा बुझे ना कि नहीं सिर्फ ये एक्स वैल्यू बाहर करे पे दे छु भाई कैन दे छु फाइंड द टू नंबर्स बुझे ला हमें नंबर जानी छ कि जानी जते बेले हमें ए टाइप ऑफ क्वेश्चन आसे हमें सबले कोन करिबा लास्ट रु फर्स्ट आ बुझिबा क्वेश्चन कौन मांगी छी सही थरो हमें जब फर्स्ट आ बुझियला सो देखो बर्तमान क्वेश्चन दे छी फाइंड द टू नंबर्स दुटा नंबर केते तले मु कौन करबे जानि छी कि मु दुटा नंबर जानि तले कौन करबे लेट अस डिफाइन और लेट अस अज्यूम फर्स्ट नंबर इज x प्रथम नंबर को मैं x नहीं पारबे कि नहीं नहीं पारबे सो आई एम राइटिंग हियर लेट फर्स्ट नंबर इज x ना सेकंड नंबर टा केते आवो बर्दा इटी देखो समान के डिफरेंस केते डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 60 बुझिया लगे ने सो सेकंड नंबर टा केते आवो जे तो डिफरेंस समान के 60 तो सेकंड नंबर टा हे परबो ना x + 60 हे परबो ऑलरेडी हमें पढ़ के आसले प्रीवियस क्वेश्चन ने पढ़ के आसले जदी गोटे नंबर x हुए ताको जे डिफरेंस 66 हुए बा ताको जे डिफरेंस 20 हुए सो नंबर टा एज x + 20 हे परबो और x minus 20 ही पाइयो, होगी नहीं? Similarly एक नंबर टा x plus 60 ही पाइयो, okay? साले गोटे नंबर हला x, आउट नंबर किया हला x plus 60, clear? Now, वर्तमान देखो ये जो तेरे नंबर हमें पाई गए, हमारे को exact बोला हमें जानी हूँ because we don't know the exact value of x, x is the unknown term. अच्छा, हमारे को ये बड़ा क्या समझ गये? Here x is present and here x plus 60, okay? साले x के किचन सब ऐड कराया जी बुझ पाए
ଏତିକି କ୍ଷୀର ଅଛି, କ୍ଷୀରରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇ ଦେଲେ କ୍ଷୀରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼ିବ ନା କମିବ? ବଢ଼ିଯିବ ନା ନାହିଁ? ସେଠି ଏଗ୍ ଥିଲା ବା କ୍ଷୀର ଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇ ଦେଲେ ବଡ଼ ହବ ନା ନାହିଁ? ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିଗର ୱାନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲର ୱାନ୍। ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଦ ଟୁ ନମ୍ବର, ତା ମାନେ ଦୁଇଟା ନମ୍ବରର ରେସିଓ। ଆଚ୍ଛା ରେସିଓ ମାନେ କ'ଣ କହିଲି? ଡିଭିଜନ। କାହାର ଡିଭିଜନ? ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଡିଭିଜନ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? କେତେ? ଟୁ ଇଜ୍ ଟୁ ଫାଇଭ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଆଗ ଦେଖ ଟୁ ଇଜ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ର ମିନିଂ କ'ଣ। ଟୁ ଇଜ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ର ମିନିଂ ହେଲା ଟୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଫାଇଭ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ନ୍ୟୁମରେଟରରେ ଦେଖ, ଛୋଟ ନମ୍ବର ଅଛି ନା ବଡ଼ ନମ୍ବର ଅଛି? ଛୋଟ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆଉ ଡିନୋମିନେଟରରେ ବଡ଼ ନମ୍ବର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଛୋଟ ନମ୍ବର ଅଛି, ସୋ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଦ ଟୁ ନମ୍ବର, ଦୁଇଟା ନମ୍ବରର ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା? ରେସିଓ ବାହାର କରିବା, ତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଭିଜନ ବାହାର କରିବା, ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଲେଖିବା? ସମଥିଂ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ସମଥିଂ। ତାହେଲେ କେତେ ବାଇ କେତେ ଲେଖିବା? ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସଟି ଲେଖିବା ନା? ଦେଖ ଆମେ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସଟି ଲେଖିବା ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସଟି ବାଇ ଏକ୍ସ ଲେଖିବା, କେଉଁଟା ଲେଖିବା? ରେସିଓ ମାନେ ବି ତ ଏଇ ହେଲା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଉପରେ ଆମେ ନ୍ୟୁମରେଟରରେ ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ନା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା? ଦେଖ ସିନ୍ସ ଏଇଠି ଛୋଟ ନମ୍ବର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଡିନୋମିନେଟର, ତେଣୁ ଏଠି ବି ଛୋଟ ନମ୍ବର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଛୋଟ ନମ୍ବର ଲେଖିଏ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ବାଇ ଫାଇଭ, କ୍ଲିୟର? ବୁଝିହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଇଗଲ ଇକ୍ୱେସନ୍। ସୋ ଆଲଜେବ୍ରିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କନ୍ଭର୍ଟ କରିଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟାକୁ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ବଟ୍ ଏତିକି ସରି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଉ? ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛେ କେମିତିକା ଏମାନଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଅଲରେଡ଼ି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଶିଖିକି ଆସିଛେ। କେମିତି କରିବା ନା ଦେଖ, ଏଟାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ମାନେ କ'ଣ ନା, ମାନେ ଫାଇଭ୍କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବ ଏକ୍ସ ସହିତ, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସଟିକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବ ଟୁ ସହିତ, ବୁଝିଲା? ସବୁ ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ଦେଖ ଫାଇଭ୍ଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ କାହା ସହିତ? ଏକ୍ସ ସହିତ, ହେଲା? ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଇଜ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସଟି। ଓକେ, ସୋ ନାଓ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସଲ୍ଭ ଇଟ୍, ଅଲରେଡ଼ି ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସଲ୍ଭ ଏନି ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ୍। ସୋ ଫାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ। ନା ଆମେ ଏଟା ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଲ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ଟୁ ଇଜ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସ, ଟୁ ଇଜ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ସିକ୍ସଟି। ସୋ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ସିକ୍ସଟି। ନା ଦେଖ କେତେ ଆସିଲା, ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ, ମାନେ କେତେ? ଟୁ ଏକ୍ସ। ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ସିକ୍ସଟି କେତେ ହେଲା? ୱାନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି। ସୋ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ଭେରିଏବଲ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍କୁ ନେଇ ଆସିବା, ହେଲା କି ନାହିଁ? ସୋ ଏଠି ଭେରିଏବଲ୍ ଟର୍ମ ଇଏ ଆଉ ଇଏ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍କୁ ନେଇ ଆସ। ଟୁ ଏକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍କୁ ଆସିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କମନ୍ ନେବା? ଏକ୍ସ କମନ୍ ନେବା, କେତେ ରହିଯିବ? ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ବୁଝିହେଲା? ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି। ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଯାଏ କେତେ? ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି। ଏବେ କାହାର ଭାଲୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଏକ୍ସର ଭାଲୁ କାହିଁକି ନା, ଆମେ ନମ୍ବରଟାକୁ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଏକ୍ସ ନେଇଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏକ୍ସ, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ହେଲା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସଟି। ସୋ ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସ ବାହାର କରିବା, ଥ୍ରୀଟା କ'ଣ ହେଇକି ଅଛି ଆସ ତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ। ସୋ ୱାନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଥ୍ରୀଟା ଆସିକି ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯିବ, ହେଲା? ସୋ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍, ଥ୍ରୀ ଫୋର୍, ଥ୍ରୀ ଜିରୋ। ସେ କେତେ ବାହାରିଲା ଆନ୍ସର୍? ଫୋର୍ଟି ବାଇ ୱାନ୍। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା ନାହିଁ? ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ଟି। ସୋ ଫାଇନାଲି ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ୱି ଗେଟ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ଟି। ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଇଗଲି ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, ବୁଝିହେଲା? ସୋ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଟୁ ନମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଯାକ ନମ୍ବର ବାହାର କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେତେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ କେତେ ନେଇଥିଲେ ରେ? ଏକ୍ସ। ଏକ୍ସଟା କେତେ ବାହାରିଲା? ଫୋର୍ଟି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ଟି? ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା କେତେ ଆସିଗଲା? ଫୋର୍ଟି। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରଟା ଆମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ନେଇଥିଲେ? ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସଟି। ତାହେଲେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ନା, ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ କେତେ ଫୁଟ୍ କରିବା? ଫୋର୍ଟି ଫୁଟ୍ କରିବା। ସୋ ଫୋର୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସଟି, ଓକେ? ସୋ ଫୋର୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସଟି ଇଜ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼। ହେନ୍ସ ୱି ଗେଟ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଇଜ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଫୋର୍ଟି, କ୍ଲିୟର? ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଲଜେବ୍ରିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା। କେମିତିକା? ମନେ କରାଯିବ ନମ୍ବରକୁ ଏକ୍ସ ନେବା, ସୋ ଦେଟ୍ ଅଦର ନମ୍ବର ୱିଲ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସଟି, ଓକେ?
तापर किबे ने हिची कोन ना समान का रेशियो ता माने एक्स आउ के रहला एक्स प्लस 60 रेशियो माने 1 डिवाइड इज इक्वल टू कते 2 इज टू 5 2 इज टू 5 माने 2 डिवाइडेड बाय 5 ओके तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई करे की हमें पाइले एक्स इज इक्वल टू 40 बोल तले फर्स्ट नंबर टाइज हो एक्स माने 40 अदर नंबर टा केते आबो एक्स प्लस 60 तले एक्स जगह 40 पुट करले 40 प्लस 60 हला 100 सो हमें एमिति चाहिले भी जे कोनो से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रु सॉल्यूशन बाहर कर परिबा बट ताको फर्स्ट स्टेटमेंट रु अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करिवार अछि ओके।